ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हरा भरा कबाब की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए फिर बिना देरी किए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई में पानी डालें और उसी पानी में डालें एक कप मटर और साथ में 200 ग्राम के करीब पालक। अब मीडियम फ्लेम पे इन दोनों को अच्छे से बॉईल करें। 10 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और पानी को निथार देंगे। और पानी को निथारने के बाद इसे ठंडा करें और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लें। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे कुछ हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद फिर मिक्सचर को हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और उसी बाउल में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू को ग्रेट करके। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्ब और साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार नमक। अब इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिलाएं। और ये देखिए हमारा हरा भरा कबाब का मिक्सचर रेडी है। तो चलिए फटाफट हम हरा भरा कबाब बना लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप थोड़ा सा मिक्सचर आप हाथ में लें और उसको राउंड शेप में बनाएं। गोल आकार में बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों हथेलियों की हेल्प से इसको बीच से प्रेस करेंगे और उसके प्रॉपर शेप में ढालेंगे। और सेंटर में हम लगा देंगे एक काजू। और ये देखिए हमारा हरा भरा कबाब फ्राई करने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी सभी हरा भरा कबाब तैयार कर लेते हैं। तो देखा आपने, इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए आपके घर वाले बहुत खुश होंगे जब आप इस रेसिपी को बना के उनको खिलाएंगे। तो चलिए अब हरा भरा कबाब को हम फ्राई करते हैं। कबाब को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करें जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और कबाब को डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए आप इसे टच बिल्कुल ना करें और उसके बाद हल्के हाथों से इसको आप पलटे को चलाएं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप फ्राई करें। करीब 3 से 4 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए फिर आप इसको प्लेट में निकाल लें। इस गर्मा गर्म हरा भरा कबाब को आप चाहे सॉस या चटनी के साथ परोसें और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। और हो सके तो आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हरा भरा कबाब को आसानी से घर पर बना सकें और एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।